Welcome to Borail News. Normal life hit half long by Bund. Poll completed peacefully. The 36-hour Dima Hasao district Bund in protest against the CAB and last night's explosion in Bokolia town in adjacent West Karbi Anglong under the Autonomous District Lok Sabha constituency, popularly referred to as Difu constituency, did not impact polling in Haflong town, which registered a turnout of over 69%. The Bund was called by Dimasa National Liberation Army in protest against ruling BJP's move to bring back the Citizenship Amendment Bill 2016 if it is voted to the power in the elections. The Bund, which began from Wednesday afternoon, evoked mixed response in Dima Hasao as Haflong town remained closed on Thursday while the Bund was not affected in any part of the district. The Bund had no impact in other parts of Dima Hasao district, which falls under Difu Lok Sabha seat, on voters as most came out to cast their votes. As estimated, 65% voters in Dima Hasao peacefully exercised their voting rights in 242 polling stations in 16 Haflong ST LAC under 3 autonomous district constituency by 5 p.m. in contrast to 67.18% in the previous 2014 Lok Sabha election, which is likely to increase slightly after the officials from the far-flung polling stations report by tomorrow morning. Polling started at 7 a.m. in most of the polling stations with trivial difficulties causing delay in voting. However, the machine were put back in work by technician by mending or replacing. A total of 69.51% turnout was recorded in 3 autonomous districts comprising Dima Hasao, Karbi Anglong and West Karbi Anglong.
कितने लोग ने 368 जमा तो कितने लोग ने न्यू में 368 तो किसका है लगे सी सर क्या नाम है ये सेंटर में नहीं है लगता अब पीना चल रहा है ठंडा ठंडा पानी गरम गरम चाय पीजिए सर पीजिए हाँ तो आज मैं फर्स्ट टाइम वोट किया है फर्स्ट टाइम तो आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू गवर्नमेंट जो सबका बारे में सोचेगा जो कम्युनल डिवाइड नहीं करेगा यूथ के बारे में सोचेगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचेगा लेट्स सी इफ वी कैन ब्रिंग अ न्यू गवर्नमेंट ए गवर्नमेंट व्हिच इज सेकुलर व्हिच डजंट डू कम्युनल डिवाइड ना इसी टाइप से बिना कम्युनल डिवाइड से जो गवर्नमेंट चलेगा सब जाति को एक साथ लेकर चलने वाला गवर्नमेंट चाहिए बस स्टूडेंट्स के लिए नया जॉब मतलब अच्छा अच्छा और टेक्निकल सेक्शन में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बस वही और मतलब घर घर में पानी और इलेक्ट्रिसिटी और हो सके तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी अभी तो सोलर का सिस्टम चल रहा है तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कोशिश करना चाहिए और बस आज इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत साल बाद में ऐसा दिन आया है कि इट इज़ नॉट जस्ट एन इलेक्शन डे इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डे टू सेव आर डेमोक्रेसी सो आज डिमा हसाओ कार्बी आंगलोंग में हम लोगों को जो मिला के जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट उसका पोलिंग डे है 18 अप्रैल हम अभी साइंजराजी LP स्कूल में है सो टुडे आई हैव वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी बिकॉज
राइट नाउ हम लोग जो देश में है सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है अनएम्प्लॉयमेंट का. अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 45 इयर्स का हाईएस्ट है. 45 इयर्स में अभी हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट. दिस इज़ ए क्लियर फेलियर ऑफ द लास्ट 5 इयर्स ऑफ आवर गवर्नमेंट. अभी राइट नाउ हम लोग को जो ज़रूरत है वो है हम लोग को जॉब्स फिल करने के लिए. तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है कि बाय मार्च 2020 जितना जो बैकलॉग है गवर्नमेंट पोस्ट में, एंड देर आर मोर देन 20 लैक्स, अराउंड 24 लैक्स गवर्नमेंट पोस्ट का वैकेंसी से स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसको फिल करेगा. ये कमिटमेंट ना बीजेपी ने दिया है ना किसी और दूसरा पार्टी ने दिया है. सो बिकॉज ऑफ दिस आई विल वोट फॉर द कांग्रेस. एंड सेकेंडली दुख का बात है कि आज जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसने ऐसा कैंडिडेट फील किया है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है. वैसे तो बीजेपी पार्टी बोलता है कि मतलब क्राइम को कम होना चाहिए, करप्शन को कम होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा कैंडिडेट दे दिया जिसका मतलब एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है. 5 कैंडिडेट में से वही है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और ऊपर से एक्स मिलिटेंट है, एक्स टेररिस्ट है. तो आज हम ये मेरा वोट आई एम डेडिकेटिंग टू ऑल द लाइव्स हु वर लॉस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस माइंडलेस वायलेंस. कार्बी आंगलोंग में, डीमा हासाओ में बहुत लोग मरा था, तो वो लोग को हम डेडिकेट करता है. इसलिए आई एम वोटिंग फॉर द कांग्रेस टुडे फॉर ए बेटर फ्यूचर. जॉब्स हम लोग को मिलना है, प्लस 5 साल में एक जो गलत, सबसे बड़ा गलत डिसीशन हुआ था वो है डीमोनिटाइजेशन. आप लोग को याद है नोटबंदी. नोटबंदी से आज तक कुछ फ़ायदा देखने को नहीं मिला, लेकिन मोर देन 100 पीपल डाइड. आज वो लोग नेमलेस है, वो लोग का नाम भी हम लोग याद नहीं. सो आई डेडिकेट माई वोट टूडे टू ऑल द पीपल हु हैड टू डाई बिकॉज ऑफ डीमोनिटाइजेशन. এতিয়ালৈকে অকণমান কম, কিন্তু অন্য ঠাইৰ কেনেকুৱা কম হৈ আছে, কিন্তু অলপ সময় 11 যথেষ্ট পৰিমাণে মানুহ ওলাব, ভোট দিব. এইটো পৰিৱেশটো ইমান হোৱা নাই, গাঁৱে ভূঞেতো ভালে. বজাৰ দোকানত পৰিব পাৰে, কিন্তু ভোটদানত ক্ষেত্ৰত ভোট কৰোঁ ভোট ইমান প্ৰভাৱ নপৰে. গাঁৱে ভূঞেতো নাই, ভোট দিব ওলাব. টাউনত বজাৰত দোকান কৰোঁতে এনেও বন্ধ থাকে আজি ইলেকশ্যনৰ সময়ত, গতিকে সেইটো আৰু প্ৰভাৱ বুলিবলৈ ক'ব লাগিব. আৰু কিবা ক'ব লগা আছে নেকি? আহিবই আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আহিব. চাওক, এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী 10টা হেৰি কৰিছে, তাৰপিছতে এই মিত্র গোটে আছে বাকী 4টাত. আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত 10টা ছিট আহিব. এইটো আমাৰ ডিফু সমষ্টিৰ লগত লৈ পেলাই